हाय, वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट्स, बिहार में एएनएम की बहाली को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पूर्व से हो रही बहाली की प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से बहाली करने की प्रक्रिया को जिसमें पूर्व से निर्धारित बहाली प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही गई है। तो देखेंगे आप, यहाँ बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन कल के डेट का जारी किया गया है। तो आइए आपको इस नोटिफिकेशन की कुछ इम्पोर्टेंट चीज आपको हम बता देते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहले जो है 2/8 से 1/9/2022 तक आवेदन लिया गया था, जिसको 11/9/2022 तक विस्तारित कर दिया गया था। ये सब समाप्त होने के बाद आप देखेंगे प्रथम चरण के बारे में बताया गया है कि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। साथ ही 100 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 100 नंबर का रहेगा। और आपको बता दें कि परीक्षा का जो टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा, कुल अवधि 2 घंटे की रहेगी परीक्षा की। साथ ही आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 25% का कट है, 0.25% कट जाएगा। और एक और चीज है कि परीक्षा कई पाली में जो है आयोजित की जाएगी, उसको लेकर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रहेगी इसमें। साथ ही अभी देखेंगे कि आगे आपको अन्य द्वितीय चरण के बारे में भी यहाँ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि द्वितीय चरण निम्न प्रकार से तैयार किए जाएंगे। तो ये द्वितीय चरण का प्रकार इन्होंने बताया है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन आया है। इसी नोटिफिकेशन में जो आया है वो आप देखेंगे डी सेक्शन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये वाला। तो लिखा हुआ, नई नियमावली के आधार पर विज्ञापन में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किए जाने फलस्वरूप अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22/9 से यानी 22 सितंबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे, पुनः मौका दिया जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में इस बात के लिए बल दिया गया है कि जो अभ्यर्थी पुनः पहले से ही आवेदन कर चुके हैं या जिन्होंने पहली बहाली प्रक्रिया जो 2022 में प्रारंभ हुई थी उसमें आवेदन कर चुके हैं, तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो उनका आवेदन दोबारा पाया जाता है कि उन्होंने आवेदन किया है, तो उनकी जो है उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसा यहाँ देखेंगे आप लिखा है, अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो एज लिमिट है वो एज लिमिट 1/8 आयु सीमा जो है 2021 के हिसाब से आपकी गणना होगी। तो एक रिलैक्सेशन है कि एज जो है आपका 1/8/2021 के अनुसार गणना की जाएगी। कार्य अनुभव जो है आपका 2/8/2022 तक माना जाएगा। और आगे देखेंगे आप नोटिफिकेशन में, तो आपको ये सब बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट, क्या सर्टिफिकेट आपके नर्सिंग या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की लगेगी। साथ ही आपको कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की निर्धारित तिथि के बारे में भी बताया गया है। और बताया जा रहा है कि साथ आप देखेंगे उस अवधि में संशोधन मॉडिफिकेशन करने की पूर्व जवाबदारी अभ्यर्थियों की होगी। अवधि के पश्चात संशोधन का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी एएनएम की भर्ती के लिए पहले से आवेदन कर चुके हैं या जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है या नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। और पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया को निरस्त कर नई प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नोटिफिकेशन से साफ साफ क्लियर हो रहा है। जैसा कि 7 मई 2023 के हिंदुस्तान संस्करण में भी आया था कि एएनएम की बहाली जो है अब वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, लेकिन पहली जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था, वो शायद मार्क्स के बेसिस पर लिया जा रहा था। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें। साथ ही हम तकनीकी सेवा आयोग से उम्मीद करेंगे कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेंगे। तो ये थी एएनएम बहाली की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट।